तो हेलो दोस्तों, आज फिर एक नया वीडियो। हम लिंक शिप से आज निकले हैं। लिंक शिप से आज हम जाएंगे पेलिंग सिटी, और वहां पर स्काई वॉक और एक बुद्धा की बहुत बड़ी स्टैचू है। तो देखिए, सामने नजर आ रहा है भगवान बुद्ध का स्टैचू। ये पार्किंग एरिया है, यहीं पर साइड में कहीं गाड़ी लगाएंगे। देखो सामने वादियाँ कितनी सुंदर नजर आ रही हैं। ये टू व्हीलर पार्किंग यहीं पर है, और यहाँ से ही बुद्धा जी की मूर्ति नजर आ रही है। और हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। अंदर जाने के बाद यहाँ पर कुछ टिकट है ऊपर जाने का रिसेप्शन पे। का टाइमिंग सुबह 8 से शाम को 4:30 बजे तक का है। देखिए सामने लिखा हुआ है। ये सीढ़ियां ऊपर स्काई वॉक की तरफ जाएगी। ये देखिए सामने स्काई वॉक पूरी तरह बना हुआ है, जो कांच का है पूरी तरह। और वहीं पर बगल में बुद्धा की मूर्ति है। चलते हैं ऊपर की तरफ और दिखाते हैं वहां के खूबसूरत नजारे। देखिए दोस्तों, सामने बुद्ध की कितनी खूबसूरत सी मूर्ति बनी हुई है। और वहां ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों को चढ़कर जाना पड़ेगा। काफी टूरिस्ट भी आए हुए हैं। ऐसी जो ये बनावट है, मैंने बैंकॉक में देखी थी, वहां पर भी इसी टाइप के बने हुए थे। देखिए दोस्तों, ये स्काई वॉक है और पूरी तरह कांच का बना हुआ है। देखिए पार आर पार नजर आ रहा है नीचे। इसके ऊपर चलने से एक्सपीरियंस कुछ अलग ही है। वो तो आपको यहाँ आने पे ही पता चलेगा। और दोस्तों, आप लोगों ने अगर मेरे लिंकशिप के कृतेश्वर महादेव के वीडियोस नहीं देखे हैं, तो पिछले वीडियोस जाके जरूर देख ले। दोस्तों, अब तक हमने नॉर्थ ईस्ट सफरनामा के 17 एपिसोड बना चुके हैं। ये 18वां एपिसोड है। तो बने रहिए हमारे साथ सिक्किम के खूबसूरत नज़ारे और ऐसे बहुत सारे मंदिरों के देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो ज़रूर जाके देखें। ये बुद्धा के स्टेचू के अंदर, मतलब नीचे बना हुआ है संग्रहालय है, जिसे म्यूजियम म्यूजियम टाइप है, जो उनके बारे में। और वहां पर बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर।
आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत बना हुआ है। अब हम स्टैचू के बराबर में आ गए हैं। देखिए ये ऊपर से स्टैचू का नजारा। क्या खूबसूरत वादियां नजर आ रही हैं। सामने देखिए खुला आसमान, खिली धूप है, बहुत ही खूबसूरत नजारा। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।